एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं घाट के पास। और आप लोगों को पता होगा कि अभी चल रहा है चैती छठ। तो होता यूँ है कि हम लोग के यहाँ साल में दो बार छठ मनाया जाता है, एक ठंडा के सीजन में और एक गर्मी के सीजन में। तो अभी हम गर्मी वाला सीजन आ चुका है और मार्च या अप्रैल में जो हम लोग का चैती छठ मनाया जाता है। तो अभी आज जो हम लोग का चैती छठ है और यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, मैं मथुरापुर घाट पर आया हुआ हूँ अभी और थोड़ा सा लेट हो गया हूँ भाई, लेकिन कोई बात नहीं। जो चीज़ यहाँ पे आज यहाँ पे हो रहा है वो सब चीज़ आप लोगों को कवर करके दिखाते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कर दिए फटाक से लाइक, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सब लोगों का डाला जो है वो सज के तैयार हो गया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक बार नदी का व्यू कितना तगड़ा लग रहा है, मतलब एकदम फीलिंग आ रहा है देख के। और यहाँ पर डाला वगैरह जो है सब लोगों का सज रहा है, जो लोग हैं वो कैंडल वगैरह लगा रहे हैं और सूप वगैरह जो है उसको सब लोग अच्छे से रखा जा रहा है यहाँ पर। और बहुत ही भव्य लग रहा है देख के ये सब चीज़। आगे आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं सूर्योदय जब होता है तो उसका पूरा व्यू दिखाएंगे। और उसके अलावा जो हमारी माताएं हैं वो पानी में जाएगी तो वो सारा व्यूज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कसेस तो अभी जो हम लोग आ चुके हैं नाव में और आप लोगों को पीछे का व्यू दिखाते हैं क्या सीन चल रहा है। और अभी जो है सूर्योदय होने वाला है तो हम लोग अभी वेट करते हैं। और नाव पे भी बहुत सारे लोग हैं। हाय कीजिए भैया, यो फुल मस्ते। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन चल रहा है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है पानी में आके। और हम लोग यहाँ से मतलब आप लोगों को पूरा क्लियर व्यू दिखा रहे हैं कि क्या कैसा सीन चल रहा है यहाँ पे। और साथ में गोलू है भाई, गोलू क्या बोलना जल्दी बता। कुछ नहीं बोल रहा, मेरे तरफ से आप सभी को चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और मस्त रहिए। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। छठ पूजा की एक बार आप लोग को हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं कि हुआ क्या था कि एक राजा रानी थे, तो उनके पास संतान नहीं था, तो संतान नहीं हो रहा था। एक महर्षि आए कश्यप, तो उन्होंने बोला कि आप पूजा अर्चना कीजिए तो आपको एक संतान जरूर मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि संतान जो था वो मृत पैदा हुआ। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो राजा रानी जैसे ही आत्महत्या करने के लिए नदी से कूदने के आए तो वहाँ पर छठी माँ जो है वो प्रकट ली और बोली कि आप मेरा पूजा अर्चना कीजिए तो आपको एक संतान जरूर मिलेगा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो छठ पूजा की। और बताया जाता है कि छठ माता जो थी वो सूर्य भगवान की बहन थी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। अगले बाय बाय, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें और मेरा भी ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब चीज़ कर दीजिए। ओके बाय, लव यू।